नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। एनएचपीसी लिमिटेड कुल्लू ने निकाली रिक्तियां। एनएचपीसी लिमिटेड कुल्लू ने इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक, फायरमैन के पद के लिए कुल मिलाकर 51 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित ट्रेड में 10वीं और ITI पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जा सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से बाहर हुआ बिहार। बीते दिन बिहार और राजस्थान के बीच खेले गए मैच में अब तक जीत का मुंह देखती आ रही बिहार की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके तहत बीते दिन खेले गए मैच में राजस्थान की टीम की तरफ से महिफाल लोमरोड ने नाबाद 78 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके बाद राजस्थान की टीम ने बिहार को 16 रनों से हरा दिया, जिसके बाद राजस्थान की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। राजस्थान ने पहले ही खेलते हुए लोमरोड के अर्धशतक के बूते 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे, के जवाब में बिहार की टीम मंगल महराड के अर्धशतक के बावजूद 4 विकेट पर 148 रन ही बना सकी, जिसके बाद अब सेमीफाइनल में राजस्थान की टीम तमिलनाडु से भिड़ने वाली है। पिछले सीजन में भी ये दोनों टीम एक दूसरे से सेमीफाइनल में टकराई थी, जहां तमिलनाडु ने बाजी मार ली थी। किसानों को अब सरकारी सूद में 90% तक राहत। देश में जहां नए कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के अंदर सहकारिता बैंक से KCC लेने वाले किसानों के लिए यह अच्छी खबर सामने आई है। ऐसे किसानों को अब सूद में 90% तक की राशि माफ हो सकेगी, जिन्होंने सहकारिता बैंक से लोन लिया है। राज्य के सहकारिता बैंकों में सूद माफी के लिए 15 दिसंबर से ही इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। विभाग के सचिव वंदना प्रेसी ने इस योजना की समीक्षा की, साथ ही बैंकों को सभी NPA धारकों को नोटिस देने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि 31 जनवरी तक जो किसान ब्याज की माफी के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें 90% तक के सूद माफी का लाभ मिल सकता है। बिहार के 96,000 ITI छात्र पहली बार देंगे ऑनलाइन परीक्षा। बिहार सहित देश भर में इस बार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 96,000 छात्र ऑनलाइन परीक्षा देने वाले हैं। इतने बड़े पैमाने पर यह परीक्षा पहली बार होने वाली है। राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी में श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी जुट गए हैं। राज्य को परीक्षा के लिए 4,000 कंप्यूटर की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसके लिए बिहार कौशल विकास मिशन की भी मदद ली जा रही है, जिसके बाद अब तय कार्यक्रम के हिसाब से पहले चरण में 28 और 29 जनवरी को 2 पालियों में राज्य में 16,000 छात्रों को परीक्षा देनी है। उसके बाद बाकी की परीक्षा अब कराई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में देश में ऑनलाइन का चलन बढ़ा। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने देश भर में ITI की परीक्षा भी ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। बिहार की बात करें तो यहाँ फिलवक्त सरकारी और निजी ITI में करीब 96,000 छात्रों को कई ट्रेड में परीक्षा देनी है। बिहार में भीषण शीतलहर। बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार में ठंड ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। जनवरी महीना खत्म होने को है, मगर ठंड ने बिहार वासियों को ठिठुरा दिया है। बिहार भीषण शीतलहर की चपेट में है और राज्य के लगभग 12 जिलों के लिए अब कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी पटना समेत सुपौल, अररिया, सहरसा, किशनगंज, नालंदा, पूर्णिया, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा और लखीसराय के लिए मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक वहां अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। इन जिलों में अब कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं, पूरे बिहार में कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और बीते 15 घंटों में बिहार में सर्द हवा का सितम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक अभी ठंड से कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद की गई है। नल जल योजना की जानकारी नहीं रखने वाले इंजीनियरों पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नल जल योजना को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसे इंजीनियर हैं जिन्हें नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल की कोई जानकारी ही नहीं है। हालांकि अब ऐसे इंजीनियर के खिलाफ सरकार भी सख्ती से पेश आ रही है, जिसके तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के दर्जनों इंजीनियरों पर योजना की जानकारी नहीं रहने के कारण कार्रवाई की गई। विभाग ने ऐसे इंजीनियर का वेतन रोकने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिन भी अधिकारियों को नल जल योजना की उपलब्धियों की जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके वेतन को रोक दिया जाएगा। बिहार में एक बार फिर शुरू होगी दरोगा की ट्रेनिंग। बिहार में एक बार फिर से दरोगा की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। हालांकि कोरोना के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ गया था, जिसके बाद अब ट्रेनिंग संस्थान पर पहुंचने से पहले सभी प्रशिक्षु दरोगा को कोरोना की जांच करानी होगी। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उन्हें अकादमी पहुंचने का निर्देश दिया गया है। RT-PCR के अलावा हालांकि अब दूसरी जांच मान्य नहीं होगी। साल 2018 बैच के प्रशिक्षु दरोगा
की ट्रेनिंग राजगीर स्थित पुलिस अकादमी में हो रही थी। कोरोना का संक्रमण ना फैले इसको लेकर मार्च 2019 में इसे बीच में ही रोक दिया गया है। ट्रेनिंग स्थगित करने के बाद इन प्रशिक्षु दरोगा को जिलों में व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। पंचायत चुनाव से पहले ही भाजपा ने रख दी मांग। बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत होने वाली है। हालांकि चुनाव से पहले अब बिहार भाजपा ने अपनी मांग रखी है, जिसके तहत बिहार भाजपा ने साल 2020 में बने मतदाता सूची को अविलंब समाप्त करने की मांग की है। इसके साथ ही भाजपा की तरफ से यह भी कहा गया है कि साल 2008 में हुए नए परिसीमन के आधार पर बूथ तय किए जाए, बीएलओ और बीएलए की संयुक्त बैठक का भी आयोजन हो और टोला मोहल्ला एवं गृह संख्या इंगित की जाए, मतदाताओं को उनके घर के पास स्थित मतदान केंद्र से भी जोड़ा जाए। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात भी की है। बिहार में हजारों नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी। बिहार में अब हजारों नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। बिहार में साल 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को वेब पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच अभी तक नहीं हो पाई है, उन्हें अपना प्रमाण पत्र स्वयं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच अभी तक नहीं हो पाई है, उन्हें अपना प्रमाण पत्र स्वयं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी और वेतन की भी वसूली होगी। विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे करीब 1,03,000 शिक्षकों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी। बंगाल के मैदान में अलग अलग उतरेगी राजद और कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि अब चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टियां बिहार चुनाव से अलग नजर आने वाली है, जिसके तहत बिहार में साथ में उतरी कांग्रेस और राजद की राह बंगाल में अलग अलग होने वाली है। जानकारों के माने तो राष्ट्रीय जनता दल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ समझौता कर चुनावी मैदान में उतर सकती है। बिहार की बात करें तो यहां राजद का कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि महागठबंधन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मदद करेगा। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही भाजपा को हराने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देने का दावा कर दिया है। श्रृंखला को लेकर तेजस्वी और सुशील मोदी ने कही अहम बात। किसान बिल को लेकर बिहार में राजद की तरफ से आगामी 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की बात कही गई है, जिस पर अब गतिरोध शुरू हो गया है। जहां एक तरफ हाल ही में ट्वीट करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील की है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा से सांसद सुशील मोदी ने मानव श्रृंखला बनाए जाने के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरह से भीड़ ने हिंसा, तोड़फोड़ और राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया, उससे इस संदेह की पुष्टि हुई है कि किसान आंदोलन को वामपंथी, खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग ने हाईजैक कर लिया है। गणतंत्र दिवस की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली घटना के बाद राजद को बिहार में 30 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला रद्द कर देनी चाहिए। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन के लिए 7 सदस्यीय अंतरिम कमेटी का किया गया गठन। गया के विष्णुपद मंदिर सहित उसके आसपास के क्षेत्र के विकास और रोजाना प्रबंधन के लिए पटना हाईकोर्ट ने 7 सदस्यीय एक अंतरिम कमेटी का गठन किया है। हाल ही में आयोजित एक लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड के वरीय अधिवक्ता से जानना चाहा है कि बोर्ड और गया के पंडों के बीच कोई बातचीत हुई है या नहीं। बोर्ड की तरफ से नकारात्मक जवाब मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं अपर महाधिवक्ता अंजानी कुमार ने कोर्ट को यह सुझाव दिया है कि प्रयोग के तौर पर कर गया डीएम की अध्यक्षता में अंतरिम कमेटी का गठन किया जाए तो वहां के विकास और प्रबंधन का काम देखे। कमेटी में गया के पंडों को भी जगह दी जाए। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की हो रही है तैयारी। बिहार में अब जून से रिटायरमेंट की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में अब 50 प्लस उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को ओवरऑल परफॉर्मेंस और व्यवहार पर तत्काल ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग ने इसे देखने के लिए समिति बना दी है। इस समिति की अनुशंसा पर जून से रिटायरमेंट का ड्राइव शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि गृह विभाग के तहत काम करने वाले अफसरों को लेकर पुलिस के सिपाही तक के लिए आदेश आ चुके हैं। 23 जुलाई 2020 को बिहार सरकार के इस निर्णय का संकल्प पत्र जारी किया गया था। अब इसे एक एक कर लागू किए जाने की तैयारी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार का गृह विभाग 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों की कार्य दक्षता की समीक्षा करेगा।
ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने की एमएस धोनी की तारीफ है। महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी हो, लेकिन अभी भी उनके खेल के प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है, जिसके तहत एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बेन डंक ने कहा है कि उन्होंने अब तक जितने भी विकेटकीपर को देखा है उसमें महेंद्र सिंह धोनी नंबर वन पर है। इतने सालों तक जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया वह बहुत ही कमाल का है। उनके तरफ से बनाए गए सारे रिकॉर्ड उनके बारे में सब कुछ बता ही देते हैं। धोनी किसी भी मैच को ऐसे स्थान पर पहुंचा देते थे जहां से विरोधी टीम का जीतना मुश्किल हो जाता था। टांडव के मेकर्स की सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई परेशानी। अमेजन प्राइम की विवादित वेब सीरीज टांडव के कलाकारों और निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की अपील को सिरे से खारिज कर दिया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें संबंधित अदालतों से जमानत का भी अनुरोध कराना चाहिए। इस बाबत कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेता जिशान अयूब ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मैं अभिनेता हूं, मुझसे सीरीज एक्टिंग करने के लिए संपर्क किया गया है, जिस पर कोर्ट ने भी साफ कहा कि आप अभिनेता हैं लेकिन आप ऐसा कोई किरदार नहीं निभा सकते जिससे और लोगों की भावनाओं को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे। आपको बता दें कि अमेजन प्राइम वेब सीरीज स्टैंडअप के अभिनेता जिशान अयूब, अमेजन की क्रिएटिव हेड अपूर्णा पुरोहित और वेब सीरीज के निर्माता हिमांशु किशन ने संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार राजद की तरफ से 30 जनवरी को कृषि बिल के विरोध में मानव श्रृंखला बनाने का फैसला सही है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। तो बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।